नमस्कार मीडिया फ्रेटर्निटी, बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ योमगो टुडे और आलो न्यूज़ इतना कम शॉर्ट नोटिस में यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरा नाम है एडवोकेट तापर पुलम, PR टू आजू चीजे, एस्पायरिंग कैंडिडेट फॉर द MLA 33 मेचू का कॉन्स्टिट्यूएंसी। मेरे बगल में जोकिंग याजो जो कि GPM है कारो वन, और मेरे लेफ्ट हैंड साइड में ताजा काम XASM लुंगता, और उनके बगल में है अनिल रिंजा GPM हेडक्वार्टर तातो वेस्ट, और उनके बगल में है ग्राम चेयरपर्सन यन्या पुलम साजी फोर, और मेरे पीछे जितने भी लड़के बैठे हुए हैं BRB के यूथ है। तो मीडिया फ्रेटर्निटी आप सबको जो यहाँ बुलाने का कारण, मुख्य कारण दो ही है। दो पॉइंट को लेके हम जो है डिस्कस करना चाहेगा, और आपके माध्यम से मैं CUME के जनता को और चीफ इलेक्ट्रल ऑफिसर को जो है आपके माध्यम से ये अपील करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ एरिया में जो फिक्सेशन ऑफ काउंटिंग सेंटर है, रिगार्डिंग दिस जो है हमने एक रिप्रेजेंटेशन भी जो है चीफ इलेक्ट्रल ऑफिसर को सबमिट किया हुआ है, और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर को भी जो है सबमिट किया हुआ है, और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस तातो CUME डिस्ट्रिक्ट को भी हमने रिप्रेजेंटेशन सबमिट किया हुआ है। तो फिक्सेशन ऑफ काउंटिंग सेंटर फॉर अपकमिंग लोकसभा एंड असेंबली इलेक्शन 2024 एट CUME डिस्ट्रिक्ट, रिगार्डिंग दिस जो है मैं कुछ कहना चाहूँगा कि जो काउंटिंग सेंटर है ये जो है मेचुका में हुआ करता था, इसको बदल के जो है इमीडिएटली जो है हेडक्वार्टर तातो में किया जाए, क्योंकि CUME डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर तातो है, ये सेंटर पॉइंट है, हर एंगल से कनेक्टिविटी फिजिबल है, और यहाँ आने के लिए, यहाँ आह्वान के लिए यहाँ आना जाना काफ़ी आसान है, सेंटर पॉइंट है। मेचुका के भी लोग यहाँ आ सकते हैं, मानेगांव के भी लोग यहाँ आ सकते हैं, इसीलिए काउंटिंग सेंटर चीफ इलेक्ट्रल ऑफिसर से दरख्वास्त है, अपील है कि इमीडिएटली यही जो है काउंटिंग सेंटर जो है बनाया जाए। दूसरा पॉइंट, 23 फरवरी को डिस्ट्रिक्ट इलेक्ट्रल ऑफिसर CUME डिस्ट्रिक्ट की तरफ से मुझे एक लेटर प्राप्त हुआ है, जिसमें उन्होंने एक ऑर्डर पास किया है कि इलेक्शन का जो रिलेटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो मेचुका में कंडक्ट करने का प्रस्ताव दिया गया है। रिगार्डिंग दिस ऑल्सो हमारा टीम जो है ये दरख्वास्त करता है कि इसको जो है तातो हेडक्वार्टर में रखा जाए, क्योंकि ये सेंटर पॉइंट है, और आज के डेट में मेचुका में पहुंचना खतरों से खाली नहीं है। बरसात का मौसम है, वहाँ हाईवे कटिंग चल रहा है, जिसके कारण काफ़ी रिस्की है वहाँ पहुँचना। अगर कल कुछ एक्सीडेंट या कुछ हो जाता है तो इसका जिम्मेवारी कौन होगा, इसीलिए मैं चीफ इलेक्ट्रल ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर CUME डिस्ट्रिक्ट से दरख्वास्त करता हूँ कि इसको जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम को तातो में रखा जाए, और बाकी अगर मुझसे पॉइंट में कुछ लैप्स हो गया, कुछ छूट गया, तो मेरे साथी लोग जो है उनको बताएंगे। जोकिन, गुड मॉर्निंग सबको। वैसे तो पहले PR सर ने पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया। माई सेल्फ जोकिन याजो, GPM कारोवान, और थैंक यू मीडिया अपॉर्चुनिटी, आलो न्यूज़ योमगो टुडे। तो आज जो है प्रेस ब्रीफिंग इसलिए रखा गया है कि ऑन बिहाफ ऑफ जो पब्लिक ऑफ CUME के लिए है, जो जॉब कर रहा है, मेरा प्रीवियस स्पीकर PR सर ने पूरा बता दिया, तो कुछ कुछ पॉइंट है लैप्सेस रह गया, तो उसको थोड़ा सा पूरा करना चाहूँगा मैं। तो रहा जो CUME डिस्ट्रिक्ट जो है क्रिएशन हुआ था 9 दिसंबर 2018, तो CUME डिस्ट्रिक्ट जो इनोग्रेशन हुआ था, तब से लेके आज से 6 साल हो गया यहाँ पे CUME डिस्ट्रिक्ट हो के। तो इतना 6 साल का जो दौरान जो जितना भी गवर्नमेंट एक्टिविटीज़, जो लॉ एंड ऑर्डर इशू हो या जो भी हो इशूज रहा, तो जो भी चीज़ ऑपरेट जो है मेचुका से कर, मतलब मेचुका जो ADC पोस्ट है वहाँ से ऑपरेट किया है,
तो अभी रिसेंटली 2 साल लगभग हो गया तो CUME हेडक्वार्टर तातो में जो है इस्टेब्लिश हो गया, DCB अभी बेहतर है। तो मैं चीफ इलेक्ट्रो ऑफिसर और जो चीफ इलेक्शन DEO उसे मतलब आपका माध्यम से जो है न्यूज़ के थ्रू से जो है आपका चैनल के थ्रू से जो है उससे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि मैं इस चीज़ को जो है अभी जो रिसेंटली प्रीवियस स्पीकर ने कहा है कि ये जो है अभी एक ऑर्डर पास हुआ है 23 को, तो ये जो है मतलब ये हम लोग के लिए और जो जॉब जो ये अभी इलेक्शन जो ट्रेनिंग जा रहा है जो नौकरी कर रहा है उसके लिए जो है बहुत प्रॉब्लम है। अभी सिचुएशन एक ऐसा है कि मेचुका का जो है हाईवे कटिंग जो है चल रहा है उसके लिए टाइमिंग बहुत ये बहुत जो है उसका ट्रैफिक जो है शेड्यूल रखा हुआ है और प्लस जो है अभी जो है रेनी सीजन में इतना तकलीफ है कि आप खुद मतलब जाके देखिए मतलब प्रीवियस जो कोई अरुण भूमि लोग भी आया हुआ था तो उसमें भी उसने मतलब जिक्र किया कि वहाँ पे नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं है, लाइट नहीं है और ऊपर से जो है रोड कनेक्टिविटी है तो इतना तकलीफ है। तो इसके लिए मतलब हम लोग का जो टीम जो है एज ए PRI लीडर और ये एज ए मतलब PRI लीडर इलेक्टेड मेंबर होने का नाते इस चीज़ को जो है फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द कॉमन पीपल ऑफ CUME सबके लिए वो जो है जंक्शन पड़ता है। तातो हम लोग जब जो है इसको जो है हम भी ये जब CUME जब गठन हुआ था CUME क्रिएशन का एक कमिटी गठन हुआ था तब भी हम एक मेंबर था वहाँ पे। हम लोग CUME डिस्ट्रिक्ट को तातो को इसलिए चुना गया था कि सबके लिए फिजिबिलिटी है। तातो मानोगुम से 63 किलोमीटर पड़ता है, मेचुका से 53 किलोमीटर पड़ता है, पहना होने से जो है 36-20 ऐसे किलोमीटर पड़ता है, ये जंक्शन पड़ता है, सबके लिए फिजिबिलिटी है बोल के इसको जो है हम लोग तातो हेडक्वार्टर को फिजिबिलिटी सबके लिए रखा हुआ था। आज जो है सब कोई कोई बोलता है कि वहाँ पे एकोमोडेशन प्रॉब्लम है, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर ठीक ठाक है, SP है, DC है और एकोमोडेशन के लिए मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो इस चीज़ को लेके जो है मेरा हिसाब से जो है एकोमोडेशन का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए मेरा हिसाब से। वहाँ पे हेडक्वार्टर अभी स्मूथली फंक्शन हो रहा है, नेटवर्किंग अभी जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है स्मूथली चल रहा है, नेटवर्क भी अच्छा से चल रहा है, मेरा हिसाब से जो है इस चीज़ के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और मैं CUME की जितना भी जनता को भी और जो भी जो जॉब कर रहा है जो जिस जिसका जो है बच्चा कोई कोई जो है बच्चा वाला है कोई कोई जो है जिसका पास गाड़ी नहीं है और वो लोग के लिए है मतलब इस चीज़ को जो है हम लोग आवाज़ उठा रहा है ये चीज़ को जो है तातो में किया जाए। तो मतलब पहले से जो है काउंटिंग भी मेचुका में करते आ रहा है तो अगर इस तरह का जो अगर ये इलेक्शन काउंटिंग को अगर मेचुका रखा जाए तो मान रखता है बोलने से मानोगो भी इंडिपेंडेंट ADC पोस्ट है वहाँ पे भी कीजिए, तातो में भी अपना तातो का वहाँ पे कीजिए, मेचुका का मेचुका पे कीजिए ना, इसको ऐसे पर्सनलिटी मत कीजिए कि और पब्लिक को भी तकलीफ मत दीजिए। तो इन चंद शब्दों के साथ मैं अपना ये ब्रीफिंग यहाँ पर रखना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार सभी को, आज हम लोग यहाँ में विजय ब्रीफिंग के लिए बैठा हुआ है। मेरा नाम है यन्यांग पुलम, हम साजीपुर का ग्राम चेयरपर्सन है। तो हम लोग यहाँ में इसीलिए यहाँ पे आया हुआ है ब्रीफिंग, ये न्यूज़ चैनल को बुलाया गया है। तो हम लोग का यहाँ में प्रॉब्लम बाकी प्रॉब्लम बता दिया है हम लोग का CUME डिस्ट्रिक्ट में जो जहाँ में ये इलेक्शन का ट्रेनिंग दिया जा रहा है हम लोग का CUME डिस्ट्रिक्ट में। तो उसमें हम लोग का तातो में हम लोग का सेंटर हेडक्वार्टर है उसमें हम लोग को रखना चाहिए। और हम ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ ये चीफ इलेक्शन ऑफिसर को और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर को हम रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, हम लोग का बहुत प्रॉब्लम चलता है इधर में तातो में होने से हेडक्वार्टर में होने से हम लोग का मनिंगों से आने के लिए थोड़ा नज़दीक पड़ता है। तो हम लोग सुबह को अपना गाड़ी नहीं होला तो हम लोग यहाँ में लाइन गाड़ी से जाके अपना मीटिंग अटेंड करके अपना शाम को हम वापस लौट भी सकता है। तो मेचुका में होगा तो हम लोग का लाइन गाड़ी भी यहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं होता है तो इसलिए हम लोग का बहुत प्रॉब्लम है। तो हम लोग मेचुका का भी और मनिगो का भी हम लोग वहाँ पर आने से हेडक्वार्टर में आने से हम लोग का बहुत सुविधा होता है, इसलिए हम लोग वही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी इसको जैसे भी हम लोग का ये इलेक्शन काउंटिंग और ये इलेक्शन ट्रेनिंग को जिससे भी हेडक्वार्टर में होने से ठीक है। हम लोग बहुत सारा मीटिंग हम लोग अटेंड कर चुका है, हम लोग ये डिस्ट्रिक्ट में अपना
डीपीडीओ का जो मीटिंग कंट्रोल से भी हम लोग बहुत आता है, उसमें भी बहुत प्रॉब्लम होता है। हम लोग जो तहतों में मीटिंग रखने से हम लोग को बहुत प्रॉब्लम नहीं झेलना पड़ता है। हम लोग सुबह को जाके मीटिंग अटेंड करके वापस लौट सकता है। मिजुका में होने से तो हम लोग को बहुत लंबा चौड़ा स्टे करना पड़ता है, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। इतना ही मेरा। नमस्कार, मीडिया प्रतिनिधि और हमारा जितना भी यहाँ में अपना टीम है, जो ग्रुप आया हुआ है, जो 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 पॉइंट है जो पहले प्रीवियस स्पीकर ने बोल चुका है ना, हम सिर्फ दो पॉइंट को लेके हम थोड़ा सा हम बोलना चाहूँगा। बात यह है कि ऐसे है, कुछ भी ऑफिशियल काम जो अभी देखिए सीओमी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर था तो डिक्लेयर होके 6 साल भी हो गया, अभी डीसी बैठा हुआ है उधर, एसपी है, लेकिन भी कुछ भी कोई भी ऑफिशियल हो जो मेचुका में किया जा रहा है, क्यों? हम आम जनता का, आम पब्लिक, ऐसे नागरिक का कारण सीओमी का ना, ये सवाल पूछना चाहूँगा, क्यों मेचुका हो रहा है? मेचुका एडीसी पोस्ट है, मारीगांव एडीसी पोस्ट है, तातो तो डीसी पोस्ट है, तो हेडक्वार्टर है, तो तातो में क्यों ये सब फंक्शन नहीं हो रहा है? तो ये सब सवाल हम हर जगह भी कर चुका है, तो उन लोग से एक ही वही जवाब, वही प्रॉब्लम बताता है कि लॉ एंड ऑर्डर तातों में प्रॉब्लम है। एसपी बेटा है, एसपी कौन सा बच्चा है क्या? एसपी इतना जानकारी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस तातों में बैठा हुआ है, तो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम तो वो हैंडल करेगा ना। एक बात, ये लोग बिल्कुल आप लोग बहानाबाजी कर रहा है, बिल्कुल ऐसे मत कीजिए। आने वाला में भी आप कोई भी ऑफिशियल काम भी तातों में बिल्कुल कीजिएगा, क्योंकि तातो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। सेकेंड पॉइंट जो है एकोमोडेशन का बारे में, अरे डीसी उधर डीसी बैठा हुआ है, डीसी से आप बड़ा नहीं है, कोई भी ये डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर हो जो भी है, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का हेड तो डीसी है, डिप्टी कमिश्नर है, वो वहाँ में तातो बेच सकता है, आप लोग क्यों नहीं बेचता है? वो एक क्वेश्चन है। आप लोग भी तातो में हर प्रोग्राम अभी से तातो में रखिएगा, डीसी ऑफिस हम लोग कुछ जाता है, डीसी से बात करता है, डीसी चैम्बर में हम लोग मिलता है, तो डीसी कुछ बैठा हुआ है तो आप क्यों नहीं बेच सकता है? और हर प्रोग्राम डीसी का थ्रू होते हुए हेडक्वार्टर तातो में क्यों नहीं होता है? तो इसीलिए आने वाला जितना भी इलेक्शन रिलेटेड कुछ भी चीज़ को आप तातो में रखिएगा, क्योंकि तातो में होने से एक ऐसी चीज़ है, पहले भी बता चुका है, प्रीवियस स्पीकर लोग बता चुका है कि तातो एक सेंटर पॉइंट है, यहाँ से भी, मेचुका से भी, आलो से भी, पीडी से भी, मानियोंग से भी सबसे सेंटर तातो होता है, तब जाके वहाँ का सीओमी का जितना भी पब्लिक जो तातो को हेडक्वार्टर बनाना है उनको डिमांड करके तातो को हेडक्वार्टर बना है। लेकिन कुछ भी ऑफिशियल काम मेचुका में क्यों हमेशा होता है ना? तो ये एक हम लोग का एक मुद्दा है, आप लोग से एक रिक्वेस्ट भी है कि अभी से आगे फर्दर फ्यूचर कुछ भी ऑफिशियल मैटर होगा, कुछ भी काम होगा, आप तातो में रखिएगा हेडक्वार्टर, क्योंकि हेडक्वार्टर तातो है। इतना में मेरा बात समाप्त करना चाहूँगा। तो मीडिया फ्रेटर्निटी, मीडिया बंधुओं, अल्टीमेटली हम सब का यही डिमांड है फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक ऑफ सीयूमी, जो इलेक्शन रिलेटेड जो ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करने का जो मेचुका में प्रोग्राम रखा है, इसको जो इमीडिएटली जो है हेडक्वार्टर तातो में शिफ्ट किया जाए और ट्रेनिंग प्रोग्राम भी जो है तातो में रखा जाए, क्योंकि ये सब के लिए भलाई के लिए है, फॉर द इंटरेस्ट ऑफ सीयूमी डिस्ट्रिक्ट, फॉर द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑफ सीयूमी डिस्ट्रिक्ट है। इसीलिए ये पहला हमारा टीम की तरफ से हमारा जितना भी सीयूमी डिस्ट्रिक्ट का पब्लिक का मांग है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम को जो है हेडक्वार्टर तातो में रखा जाए, नंबर वन पॉइंट। नंबर टू पॉइंट ये है कि जो काउंटिंग सेंटर है, काउंटिंग सेंटर को जो है हेडक्वार्टर तातो में ही रखा जाए, हेडक्वार्टर तातो में ही जो है काउंटिंग सेंटर, जो आगामी जो लोकसभा का और असेंबली इलेक्शन होने जा रहा है, इसका जो काउंटिंग सेंटर है इसको भी जो है काउंटिंग सेंटर को जो है हेडक्वार्टर तातो में रखा जाए, क्योंकि 2014 में भी ऐसा कुछ सर्टेन एलिगेशन था कि वहाँ टेम्परिंग, मेचुका में टेम्परिंग हुआ है बोल के कुछ एलिगेशन है, इसीलिए इसको मद्देनज़र रखते हुए हम ये डिमांड करता है सीयूमी का जनता, ये डिमांड करता है कि काउंटिंग सेंटर को हेडक्वार्टर तातो में ही रखा जाए। अगर इसको वो रख नहीं सकता है तो देर इज़ ए प्रोविज़न इन दिस रूल 65 ऑफ कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961 कि मल्टीपल काउंटिंग सेंटर बनाने का भी एक प्रोविज़न है, तो जिसमें हम ये डिमांड करते हैं कि अगर आपको मेचुका में ही रखना है तो मानगों को भी रखा जाए काउंटिंग सेंटर, तातों को भी रखा जाए
काउंटिंग सेंटर तातो बेल्ट का जो है तातो में किया जाए, मानवों का जितना भी पोलिंग स्टेशन है उसका काउंटिंग मानवों में किया जाए और मेचुका का जितना भी है मेचुका में किया जाए। मल्टीपल काउंटिंग सेंटर बनाने का भी एक यहाँ प्रोविजन है रूल 65 में। और ये जितना भी हमने डिमांड प्लेसिंग किया है ये आर्टिकल 51 कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961 में क्लियरली लिखा हुआ है कि काउंटिंग सेंटर का जो प्रेफरेंस है हेडक्वार्टर को दिया जाना चाहिए। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम ये डिमांड करता है कि काउंटिंग सेंटर जो आगामी लोकसभा और विधानसभा का जो इलेक्शन होने जा रहा है उसका काउंटिंग सेंटर हेडक्वार्टर तातो को रखा जाए और ट्रेनिंग प्रोग्राम को जो है हेडक्वार्टर तातो में ही कंडक्ट किया जाए। हमने जितना भी मांग रखा है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर को जितने भी हमने मांग रखा है ये कानूनी तौर पर पूरे वैधता है, इसका वैलिड है। इसीलिए जो है हम दरख्वास्त करता है, हम अपील करता है कि इसको जो है हमारे मांग को जो है जल्द से जल्द अमल में लाया जाए, हमारे मांग को जो एक्सेप्ट किया जाए। अगर हमारे मांग को जो है एक्सेप्ट नहीं होता है तो हमें जो है लीगल कोर्स ऑफ एक्शन लेना पड़ेगा, फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन लेना पड़ेगा और अगर ज़रूरत पड़ेगा तो हमें डेमोक्रेटिक मूवमेंट भी अपनाना पड़ेगा। सर आप लोगों के सामने अभी आपकी सीनियर सिटीजन्स ने जो जो पॉइंट्स एंड डिमांड्स रखा है क्या आप लोग एज ए सीओएमबी के यूथ उन डिमांड्स को वो एग्री करते हैं? सबसे पहले आपका जवाब देने से पहले मैं मीडिया पैटर्नरी को थैंक्स करना चाहता हूँ, आपके माध्यम के द्वारा से हमारा यूथ का व्यू को बताएंगे। जी मेरा नाम संजय हंगोंग है और मेरे साथी मीनिंग जो अन्य क्लांस है नानी योरनी तकाम ताजे ताइचीजे जो बेरियस क्लान का बेरियस एरिया से सीओएमबी का बेरियस एरिया से बिलोंग करते हैं, जो आज का जो प्रेस ब्रीफिंग का माध्यम से ध्यान रखने से ये बिल्कुल सही है। मैंने जो प्रेस ब्रीफिंग जितना हमारे सीनियर जो एडवोकेट तापुर पुलोम सर उसके अन्य जो साथी जोकिया जो पुलोम मैडम और अनिया जो कहा है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि ऐसे मीनिंग हमारे जो डिस्ट्रिक्ट जो अभी लगभग 6 साल हो चुका है बनके ना हेडक्वार्टर जो बनके, लेकिन भी हमने ये विटनेस किया है कि माने कोई भी इम्पोर्टेंस मैटर जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में हेडक्वार्टर में कभी नहीं हुआ है। कोई भी माने प्रोग्राम या कोई भी मैंने क्या था हमारे डेवलपमेंट प्रोग्राम कोई भी ऑफिशियल चीज़ हमारे डिस्ट्रिक्ट को हेडक्वार्टर को दिया नहीं गया, क्योंकि हम ऐसे यूथ एग्रेशन दिखाते हुए कहता है कि बिल्कुल सही है हमारे जो हमारे इस बार का जो 2024 का जो काउंटिंग जो होना है वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में होना है और जितने भी इलेक्शन रिलेटेड जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है और अन्य चीज़ है वो भी क्या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में होना है। अगर ऐसा नहीं होने से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बनाने क्या फ़ायदा है कि नहीं, जहाँ ये तो बिल्कुल इनडायरेक्टली हमको नेग्लिजेंस कर रहा है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को, लगभग बना कुछ भी डेवलपमेंट नहीं है। आप खुद भी हमें तो स्पेशली मीडिया पैटर्नरी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी वहाँ विजिट करिए, देखिए इन लोगों का कैसा है, क्या सुविधा है। हमारे स्कूल देखिए, स्कूल भी ठीक तरह से नहीं चल रहा है अन्य और गवर्नमेंट मिशनरी भी। अब इसमें अगर ऐसे हम एडमिनिस्ट्रेशन को सवाल करेगा तो ये कहेगा कि माने हमारे मैंने कुछ लिखुना बताया कि ये एकोमोडेशन प्रॉब्लम है, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, बिल्कुल गलत है। देखिए आप मीनिंग वोट काउंटिंग के लिए माने हम मालूम है कि माने एकोमोडेशन जरूर है, लेकिन हमारे जैसे SFS स्कूल गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल और अन्य चीज़ है जो माने एकोमोडेट कर सकता है जब काउंटिंग के लिए, और जो माने जितने भी गवर्नमेंट मिशनर से जो पुलिस फोर्स आएंगे उसके लिए भी सुविधा है रहने के लिए, बिल्कुल है। और इसलिए मैं इस बार डायरेक्ट जो हमारे चीफ इलेक्शन ऑफिसर को माने और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर को डायरेक्ट मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँ यूथ की तरफ से, वो इंडिपेंडेंट सोर्स रखिए, मीनिंग अब इलेक्शन को सही तरह से PNPR इलेक्शन कराना है तो लोगों का बिहार में इंटरेस्ट ऑफ CMA का बिहार में माने हमारे जो अपील को ध्यान रखना होगा। लेकिन अब ऐसा नहीं करेगा तो हम मजबूरी होता है कि माने ऐसे यूथ हमें एग्रेशन दिखाना पड़ेगा है कि नहीं, और इस पर एक्सलेंस दिखाना और हमें स्टेप लेना पड़ता है और बाद में ब्लेम करता है कि माने आप लोग सहयोग नहीं दिया है। हम सहयोग देने के लिए हमेशा सही है, आपको हम लोग तैयार है यूथ, लेकिन अब हमारे अपील को बिल्कुल मानना होगा। जो हमारे सीनियर जो अपील किया है आप दोनों को मीनिंग चीफ इलेक्शन ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन और एडमिनिस्ट्रेशन को, वो आप बात को ध्यान रखना होगा। मीनिंग आप ये नहीं कहना कि लामसम हम लोग डिमांड कर रहे हैं और आप नज़रअंदाज करने से बिल्कुल गलत होगा, और इसके लिए हम लोग ऐसे यूथ और ऐसे माने ऐसे बीइंग है मीनिंग एक डेनिजन ऑफ सीओ में होने के नाते हम लोग तैयार है कोई भी मुद्दा उठाने के लिए और कोई भी एक्शन लेने के लिए। और बाकी अन्य साथी जो अपना राय बताएगा आपका उसमें आप सुन लीजिए। टीम मीडिया और मेरा हमारा साथियों, अगर
इस बार काउंटिंग हेडक्वार्टर में नहीं होने से हम लोग का इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं होगा। थैंक यू।